हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 80 में कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के अलावे बहुत सारी परीक्षाएं जैसे एसएससी, बीएसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है भाग 80 का। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? स्टूडेंट, ऑप्शन में दिया गया है 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर या 100 मीटर। तो सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं। माना कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस 162 ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, बटे समय 18 सेकंड इक्वल जो है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 बटे समय 15 सेकंड है। अब हम स्टूडेंट क्रिस क्रॉस मेथड से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 15 एक्स प्लस 162 बराबर 18 एक्स प्लस 120। एक्स प्लस 15 से 15x प्लस 162 में 15 से गुना करेंगे, 15 दुनी 30, 15 छक्का 90, 3 93, 15 इकाई 15 और 9 24 130 होगा। 18 से x में 18x प्लस 18 00, 18 दुनी 36, 3 18 इकाई 18, 3 इकाई 160। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 15x माइनस 18x बराबर 2160 माइनस 2430 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी बराबर के इधर आया तो माइनस में, तो स्टूडेंट हो जाएगा ये माइनस 3x बराबर 0, 13 में से 6 गया 7 और ये 3 में से 1 गया 270, माइनस 270, माइनस से माइनस कट तो x बराबर हो जाएगा 270 बटे 3, 30 आई 39, 27 यानी रेलगाड़ी की लंबाई स्टूडेंट जो है वह 90 मीटर है, 90 मीटर। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है, मिस्र को, सूडान को, ईरान को या इराक को? तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है क्योंकि नील नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है और मिस्र में के मैदानों में फैला देती है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है जिससे यहाँ अच्छी फसलें होती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। गली की लाइट जो पीले रंग की होती है जिसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं, में किस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का या नियॉन का? तो स्टूडेंट स्ट्रीट लाइट में जिसकी रोशनी पीली होती है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है
और इसका संकेत जो है एन ए होता है, इसका लैटिन नाम नेटेरियम है। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या चार को देखते हैं, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीजम सटाइवम, सोलेरम, ट्यूबरोसम, ओराइजा सटाइवा या एवीना सटाइवा। तो स्टूडेंट आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेरम, सोलेनम ट्यूबरोसम एवीना सटाइवा जो है जई का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सटाइवा जो है ये धान का वैज्ञानिक नाम है, और पीजम सटाइवा सटाइवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या पाँच को देखते हैं, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था 1656 ईस्वी में। शाहजहां ने 1656 में कराया था। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या छः को देखते हैं, महेश नारायण किस अखबार के प्रथम संपादक थे? तो बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए यहाँ के लोगों ने और यहाँ के पत्रकारों ने 1894 में एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। उस अखबार के प्रथम संपादक महेश नारायण थे। हमारा ऑप्शन एक है बिहार टाइम्स के, बिहार हेराल्ड के, पायोनियर के या नवजीवन के। तो महेश नारायण जो थे 1894 में स्थापित अखबार बिहार टाइम्स के संपादक थे, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या सात को देखते हैं, हमारा प्रश्न संख्या सात है, हम लोग प्रश्न संख्या सात को देखते हैं, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.008, 1.33, 1.50 या 2.48? तो हीरे का अपवर्तनांक स्टूडेंट जो है 2.48 होता है, 2.48, जबकि हवा का अपवर्तनांक जो है 1.008 होता है, जल का अपवर्तनांक स्टूडेंट जो है 1.33 होता है, 1.50 जो है यह कांच का अपवर्तनांक होता है, और हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.48 होता है। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या आठ है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? माइका, सिलिका, क्वार्ट्ज या सोडियम बोरेट? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। कांच का आविष्कार सबसे पहले मिस्र में हुआ था, सिलिका, कांच का मुख्य घटक जो है सिलिका। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या नौ को देखते हैं, इनमें से किस कार्बनिक यौगिक में द्विबंध उपस्थित रहता है? मेथेन, एथेन, एथीन या एसिटिलीन? तो स्टूडेंट एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मेथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, एथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि एथीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, इसे फल पकाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा एथीन, एथीन। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, चीका वायरस का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? चूहा के द्वारा, खरगोश के द्वारा, कीट के द्वारा या मच्छर के द्वारा? तो जीका वायरस का संक्रमण स्टूडेंट जो है मच्छर के द्वारा सामान्यतः होता है, मच्छर के काटने से यह फैलता है,
लेकिन रेयरली जो लोग ओरल सेक्स करते हैं उनमें भी जीका वायरस फैलने की संभावना अधिक होती है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखें। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन? तो गुब्बारे में सामान्यतः हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम। इसका संकेत एच ई होता है, परमाणु संख्या इसका 2 है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। भारतीय संविधान है कैसा है, बहुत कठोर, कठोर, लचीला या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी, यानी अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है, अंशतः लचीला हमारा प्रश्न संख्या 13 है। डोल्ड्रम क्या है, व्यापारिक कौनों का नाम है? भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है उसका नाम डोल्ड्रम है। बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है डोल्ड्रम या शांत सागरों वाला क्षेत्र है डोल्ड्रम? तो भूमध्य रेखा पर चूंकि सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण यहाँ निम्न क्षेत्र का के दाब का विकास होता है, निम्न दाब का एक क्षेत्र विकसित होता है जिसको डोल्ड्रम कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास विकसित होने वाले क्षेत्र होने वाले निम्न दाब के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं, निम्न दाब के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहा जाता है। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 14 है, आर ए सी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन हमने नहीं दिया है। इसका उत्तर होगा आर ए सी का फुल फॉर्म है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आंसर होगा रिजर्वेशन अगेंस्ट कंसीलेशन। हिंदी में इसको लिखेंगे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आज का हमारा अंतिम सवाल है फ्रेंड कि मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा इनमें से कौन है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट? तो सेल्यूलोज से मानव के द्वारा 1892 में एक संश्लेषित रेशा को प्रथम बार विकसित किया गया था, इसका नाम है रेयॉन। रेयॉन को नकली रेशम के नाम से भी जाना जाता है, ये मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम संश्लेषित रेशा था। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 80 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आपके अध्ययन के लिए हमने रसायन विज्ञान की एक नई श्रृंखला
सीरीज की शुरुआत की है। आप रसायन विज्ञान से संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसके बारे में यहाँ से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।